किसी गांव में सचिन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शिखा और माँ सुमित्रा के साथ रहता है। वैसे तो सुमित्रा बहुत अच्छी सास होती है, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी घर में कोई बच्चा ना होने की वजह से अब वो पूरा समय शिखा को भला बुरा सुनाती रहती है। तुम माँ साफ साफ बता दो कि इस जन्म में मुझे दादी बनने का सुख मिलेगा या नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ऐसी बहू जो एक बच्चे को भी जन्म ना दे सके। मेरे ही बेटे को मिलनी थी। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ। हम अच्छे बड़े हाकिम को दिखा तो रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो शहर के बड़े डॉक्टर से मिलने भी चले जाएंगे। सब कुछ सही होगा, तुम बस अच्छा अच्छा सोचो। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। 3 सालों से कोशिश कर रहे हैं, आज तक हर जगह से निराशा के अलावा और मिला ही क्या है। आज पहली बार तेरी पत्नी ने कुछ अक्लमंदी वाली बात की है। मेरी बात मान और गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर एक सिद्ध और ज्ञानी बाबा का आश्रम है, वहाँ चले जाओ, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी अंधविश्वास वाली बात कर रही हो माँ, बाबा और कृपा जैसा कुछ नहीं होता। रात बहुत हो गई, सब सो जाओ। उस वक्त बेटे की बात मानकर सुमित्रा कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शिखा और सचिन भी सोने चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सचिन के खेत पर जाने के बाद सुमित्रा शिखा को बार बार पहाड़ी वाले बाबा के बारे में बोलती रहती है, जिससे कुछ दिनों में परेशान होकर शिखा उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है माँ जी, अगर आप इसी से खुश हैं तो मैं बाबा के पास जाने को तैयार हूँ, पर ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, सचिन को इसके बारे में कुछ पता न चले। ऐसा बोलकर शिखा घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर बने बाबा के आश्रम में पहुंच जाती है, जहां शिखा बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर बाबा कुछ फलों पर मंत्र पढ़कर उन्हें शिखा को दे देते हैं। इन फलों को रात के खाने के साथ खा लेना, तुम्हें संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। फल लेकर शिखा घर वापस आती है और रात को सोने से पहले सबसे छुपकर वो फल खाकर सोने चली जाती है, लेकिन इससे भी उसके जीवन में संतान सुख पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद सुमित्रा उससे बहुत कड़वा बोलती है और भला बुरा सुनाती है, जिसके चलते एक रात शिखा मानसिक तनाव की वजह से रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर लेती है। जिसके कुछ दिनों बाद दादी बनने की अधूरी चाह मन में लेकर सुमित्रा की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही दिनों में मेरा हंसता खेलता घर बंजर हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतने छोटे अंतराल में अपनी पत्नी और माँ दोनों को खो देने के गम में सचिन भी पूरी तरह टूट जाता है और अपना घर एक नवविवाहित जोड़े करण और ज्योति को किराए पर देकर दूसरे गांव चला जाता है। करण, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी बतानी है, तुम पापा बनने वाले हो। ज्योति की बात सुनकर करण बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो खेत पर चला जाता है और ज्योति अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन उन दोनों के अलावा भी घर में कोई होता है जो इस खुशी में शामिल होने के लिए तैयार होता है, और उसी दिन से ज्योति के जीवन में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे कभी अकेले बैठे डरावनी तरह हंसना तो कभी खाली कमरे में बातें करना। मेरे बच्चे, आखिर तू मुझे मिल ही गया, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब ज्योति का व्यवहार और तौर तरीके करण के घर में होने और ना होने पर अलग अलग हो जाते। करण को ज्योति का बदला स्वभाव दिखाई तो देता है, लेकिन वो इसे गर्भावस्था का लक्षण समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। एक शाम करण ज्योति को सरप्राइज देने के लिए शाम को जल्दी घर वापस आता है, तो उसे हवा में पालती मारे बैठकर डरावनी हंसी हंसते हुए देखकर हैरान रह जाता है। ज्योति, अगर आज तेरी डरावनी चीख सुनकर मेरे पोते को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देती। तू मेरे पोते को मारने की कोशिश करता है, जा चला जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्योति की बातें सुनकर करण तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और डरा हुआ सीधा दूसरे गांव में सचिन के पास पहुंच जाता है। आपके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, आज मेरी पत्नी हवा में बैठी थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उस घर में नहीं रह सकता। माफ करना, तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत है तो जब चाहे घर खाली कर सकते हो। सचिन से बात करके करण के मन को शांति मिलती है और वो यही सब सोचते हुए हिम्मत करके दोबारा घर पहुंचता है, पर जैसे ही अपने कमरे के अंदर पहुंचता है
तो वहाँ ज्योति को एक डरावनी और भूतिया आकृति में देखकर भौंचक्का रह जाता है। करण को देखते ही गुस्से से लाल ज्योति उसे हवा में उड़ाकर पंखे पर बैठा देती है। घर छोड़कर मेरे पोते को मुझसे दूर लेकर जाएगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तू कहीं नहीं जा सकता, ये मेरा पोता है और हमेशा इसी घर में मेरे साथ मेरे पास रहेगा। ऐसा बोलकर भूतिया ज्योति करण को पंखे पर बैठा छोड़कर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद उसकी कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। वो रात भर डरा सहमा वहीं एक कोने में बैठा रहता है। अगली सुबह जैसे ही ज्योति कमरे के अंदर आती है तो करण की ऐसी हालत देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आप इस तरह हैरान परेशान यहाँ कोने में क्यों बैठे हैं? सब ठीक है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें इसकी वजह नहीं पता? जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ज्योति की बातें सुनकर करण असमंजस में पड़ जाता है और बिना कुछ बोले सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है। इस बीच जल्दबाजी में कमरे के बाहर रखी एक मूर्ति उसके हाथ से टकराकर टूट जाती है। क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि गर्भवती महिला के आसपास ऐसे शोर नहीं मचाना चाहिए? उसे और बच्चे दोनों को अच्छा नहीं लगता, पर तू है कि हर रोज मेरे पोते को डराने की तैयारी में रहता है, उसे मारना चाहता है, आज तू नहीं बचेगा। ऐसा बोलते हुए ज्योति उसी भूतिया रूप में गुस्सा करते हुए करण की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख कर करण डरा सहमा तुरंत घर से भाग जाता है और बिना पीछे मुड़े बहुत दूर तक भागता चला जाता है। यह सब आखिर हो क्या रहा है? मेरी ज्योति इतनी डरावनी कब बन गई? उसकी आवाज, उसकी आंखें, यह सब अचानक ऐसे बदल कैसे जाते हैं? और पोता कौन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत देर तक कुछ न कुछ सोचने के बाद भी जब करण को कुछ समझ नहीं आता तो वो इन सब सवालों का जवाब ढूंढने एक बार फिर सचिन के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे ध्यान से सुनने और कुछ देर सोचने के बाद सचिन उसकी बात की हर कड़ी जोड़ने लगता है। तब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। मुझे माफ करना दोस्त, मुझे नहीं पता था कि दादी बनने की अधूरी इच्छा माँ को मुक्ति नहीं मिलने देगी। इस सब की वजह मेरा परिवार है, इसलिए अब मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। इसके बाद सचिन करण के साथ घर आता है और अपनी माँ को ज्योति के शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत प्यार से उसे आवाज लगाने लगता है, जिससे भूतनी सुमित्रा के अंदर की माँ प्रभावित होती है और वो ज्योति के शरीर से बाहर निकलकर सबके सामने आ जाती है। मेरा बेटा, देख मैं दादी बनने वाली हूँ, अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया, अब हम सब एक साथ मिलकर यहाँ रहेंगे। माँ, हम यहाँ नहीं रह सकते और वो बच्चा भी हमारा नहीं है, इसलिए उस पर आपका या मेरा कोई हक नहीं है, आपको उसे छोड़कर यहाँ से जाना होगा। सचिन की इस बात पर सुमित्रा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, इसलिए वहाँ रखे चाकू से सचिन के पास खड़े करण पर वार कर देती है, जिससे बचते हुए करण सचिन के पीछे छुप जाता है और वो चाकू सचिन को लग जाता है, जिसे देख कर सुमित्रा तुरंत शांत हो जाती है। मेरा बेटा, मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बेटे को मार दिया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, जब आप मरने के बाद भी मेरे लिए इतनी परेशान हो तो सोचो जिस बच्चे और उसके परिवार को आपने इतने समय से दुख पहुंचाए हैं, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। भगवान आपको उसके लिए शायद कभी माफ ना करे। माँ, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो और कृपया इन लोगों को, इस घर को छोड़कर मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ से चलो। अपनी माँ को समझाते हुए सचिन की वही मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो करण और ज्योति से माफी मांगती है। इस पर बेटे के साथ उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। कुछ महीनों बाद ज्योति और करण के घर में लड़के का जन्म होता है, जिस पर वो सचिन की याद में और उसकी माँ की खुशी के लिए अपने बेटे का नाम सचिन रख देते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। Thanks for watching.